बटे बॉय दारू भी क्या है घर में। अगर मेरे पर्स से 1 रुपया चोरी हो जाए, बटे बॉय की सुर्ती बन चुकी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं आई थी अपने गांव और आज है मेरे पापा का जन्मदिन, तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा उनके लिए। और टाइम तो पापा के लिए हम बर्थडे के दिन केक काटते थे, इस बार नहीं काट रहे केक वे कोई। पापा कहते कुछ नहीं काट रहा हूँ केक केक करके, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ और चीज़ बनाई जाए। तो गाजर का हलवा बना रही हूँ मैं। इस मैंने जंग जीत लिए, बोले तो मैंने आग जला ली है। इतनी मुश्किलों से मैंने आग जलाई ना, क्या ही बताऊँ। हम यहाँ आग कम ही जलाते हैं ना, कभी गाय के लिए दवा बनाना होता है तभी हम यहाँ काम करते हैं, नहीं तो हमारा नीचे ही बनता है गैस में ही। तो मैंने कहा मेरे को ठंडा भी होता है, मैंने कहा आग भी सेक लूँगी और चूल्हे में ही बनाऊँगी करके हलवा, इसीलिए मैंने आग जलाई तो वो जल नहीं पा। देखो फिर से बुझ गई। तो मैंने कद्दूकस कर लिया इसको और घी भी आ गया इसमें, मतलब इसका घी क्या लेके आई मैं ना नीचे से। ये देखो ये तो लालची, ये देखो घी लेके आई, टिफ़न लेके आई तो मतलब कहने लगी इतना घी लेके आ रही है, बोल तू इतना घी डालेगी बोल तो हलवे में। मैंने कहा घी तो जाता ही है, ले जा। हाँ हाँ ले जा, मतलब नीचे किचन से ऊपर कुछ आना ही नहीं चाहिए। मेरी दादी पीछे पीछे आ जाती है, मैं टिफ़न लेके आई, टिफ़न में घी लेके आई। मेरी दादी ने मेरे पीछे दौड़ दौड़ के आई और घी इसमें डाल के टिफ़न भी चाकू भी सब नीचे को लेके चली गई, क्योंकि यहाँ हम कुछ रखते नहीं, यहाँ कुछ बनाते नहीं है ना, तो यहाँ से खो जाता है करके। मेरी दादी मतलब मेरे पीछे ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के आई ना, सब चीज़ लेके चली गई साथ में। गाइस फाइनली मेरा गाजर का हलवा बन चुका है, मैं दिखाती हूँ कैसा बनाया। और इतना टेस्टी हो रहा है ना, क्या बताऊँ। मेरी जीजा खा रही है। अपन जीजा हेलो, कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। ये देखो किस चीज़ से खा रही है, मुँह नहीं कटेगा या चाकू से? चाकू से खा रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इलायची की। और हम लोगों ने तो सबने हलवा खा लिया है और बचे पापा, तो पापा के लिए मैं लेके जा रही हूँ टिफ़न में। टिफ़न में इसलिए लेके जा रही हूँ दुकान में क्योंकि आज पहली बात तो मेरे पापा का जन्मदिन है, दूसरी बात आज दिन भर पापा दुकान में ही रहने वाले हैं क्योंकि दुकान वाले जो ताऊ जी वो पूजा में गए हैं, तो जब वो दुकान में नहीं होते तो पापा ही बैठते होंगे दुकान में, इसीलिए आज वो दिन भर दुकान में होंगे और मैं उनके लिए जा रही हूँ गर्मा गर्म हलवा। लोगों को देख के इसकी नौटंकी देखो। तो गाइस ये मेरा खाना, ये है मूंगफली की चटनी, गाजर और हरी सब्जी और चावल, ये घर के चावल हैं लाल लाल वाले। तो गाइस 4 बजते में अभी 15 मिनट बचे हैं और हमारे गांव की देखो धूप लगभग चली गई है, वो पार पहुँची है। और अभी मेरी दादी सब्जी तोड़ के लेके आ गई है खेत से, तो दिखाती हूँ क्या है ये। ये पालक, तो अभी मैंने इनको साफ करना है और फिर बनाएंगे आज पालक पनीर स्पेशली पापा के लिए। मेरा पालक बॉयल हो रहा है, इसमें पानी ज़्यादा हो गया, पालक कम हो गया इसमें। घर आना मतलब राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी हो जाती है मेरी। अभी पापा दुकान से आए नहीं है, एक बार आए बस 2 मिनट के लिए आए, उसमें मेरे लिए हीटर फिट कर दिया और टीवी लगा दी सामने, उसके बाद तो पापा चले गए फिर से। घर आके ज़मीन में ही सोती हूँ क्योंकि सामने हीटर होता है, तो इसीलिए बिस्तर लगाया मैंने अपना, पापा ने हीटर हीटर फिट कर दिया, टीवी लगाई। यह है मेरा पालक पनीर, मैंने इसमें ऊपर से क्रीम डाली तो क्रीम पिघल गई है। ये पापा का, ये मेरा। और हमने बनाई आज मटवे की रोटी और ये है मेरी मूंगफली की चटनी। तो अभी खाते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आपसे। बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय दारू पी के आया है घर में। पर तो बर्थडे बॉय अपने लिए खाने के बाद का माल बनाते हैं, सुर्ती बनाते हैं बर्थडे बॉय, खाना वाना हजम हो गया। बताओ बच्चों के सामने सुर्ती कौन खाता है भाई? ये देख रहे हो, और मेरी अमाई आग से हीटर ही के। अम्मा के लिए मैं चप्पल लेके आई थी कमरे के अंदर पहनने वाली, अम्मा ने गंदे करके देखो ये अम्मा के पैरों में चप्पल देखो ये। कोई ना हुई मुँह पीटे बोल, ये मेरी अम्मा के हाथ देखो बुढ़ी हो गई रे लाए ही अम्मा।
हमने कुछ काम ही नहीं किया था, बेचारे इतना काम कर हाथों की हालत देखो तुम इसकी। हमारा कुत्ता भी आ चुका है, ये इससे तो ये तो बहुत जरूरी पार्ट है भाई। ये बड़े बॉय की सुरती बन चुकी है। मेरी दादी मेरा पर्स चेक करिए, देखो चोर दादी चोर लगा दे, फिर चैन लगा दे। अगर मेरे पर्स से एक रुपया चोरी है, जिम्मेदार मेरी दादी। इतने ही है, पैसे नहीं है, पूछ रही है इसी में है या और जगह छुपाए बोल तूने पैसे। मैंने कहा पैसा ही नहीं है मेरे पास। मेला देखने जा रहे हो क्या? ऐसा क्या कर रहे है? बिस्तर में सो रहे हो या घूमने जा रहे हो? हैं? बताओ पापा, सो रहे हो या घूमने जा रहे हो? ऐसे बात बूत के यार, रात को भी बताओ ऐसे कौन सोता है? पूरा मुंह बांध बूझ के मास्क पहन के बता। आज तो बर्थडे था, फिर कैसा फील हो आपको है? बताओ, आज तो पार्टी हुई होगी। पार्टी नहीं मांग रहे थे कोई आपसे है? एक ना, किसी ने नहीं बोला पार्टी के लिए? वाह यार, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा ये बताओ, जो मैं दोबारा बनाऊंगी आपके लिए? दाल, मिक्स वाली दाल सबसे बढ़िया। मैंने वो थोड़ी बढ़िया, तो वो कल लगती है। मशरूम अच्छा लगा? आज के दिन की बात कर रही हूँ, आज क्या अच्छा लगा? गाजर का हलवा, पनीर या मूंगफली की चटनी? तो गाजर का हलवा। चटनी अच्छी नहीं लगी? चटनी किसी को पसंद नहीं। पापा बोल रहे कि वो चटनी खाने से अच्छा, तो मेरे को वैसी दे देती मूंगफली, मैं वैसी खा लेता। बस इनके लिए अच्छी चीजें बनाओ, इनको वो भी नहीं पसता है।